ओलंपिक में शामिल हो रहे भारतीय खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए दिल्ली में रन फॉर रियो का आयोजन हो रहा है, जहां मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम पर प्रधानमंत्री ने कहा कि टोक्यो में 2020 में होने वाले ओलंपिक की तैयारी में अभी से जुट जाएं और उस ओलंपिक में कम से कम 200 से खिलाड़ी भेजने का संकल्प लें। पीएम ने इस दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम मोदी ने कहा कि ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को भारतीय खाना उपलब्ध कराने के लिए हमने विशेष बजट रखा। खिलाड़ी रियो के मौसम और परिस्थितियों में तालमेल बिठा ले, इसके लिए हमने उन्हें 15 दिन पहले वहां भेजे। हर खिलाड़ी को उनकी पसंद का ट्रेनर दिलवाया और एक एक खिलाड़ी पर 30 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक खर्च किए। पहली बार सरकार ने ओलंपिक का बजट 125 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए सितंबर में चीन जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से द्विपक्षीय वार्ता कर सकते हैं। दोनों नेताओं के साथ वार्ता के दौरान पीएम मोदी एनएसजी में भारत को शामिल करने को लेकर बात हो सकती है। पीएम मोदी के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के भी आसार है, विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने शनिवार को कहा कि सऊदी अरब और कुवैत में सैकड़ों की संख्या में भारतीय बेरोजगार हो गए और विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सऊदी अरब जाएंगे। सुषमा ने ट्वीट किया, सऊदी अरब और कुवैत में बड़ी संख्या में भारतीय अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं, नियोक्ताओं ने वेतन नहीं दिए और अपने कारखाने बंद कर दिए। सुषमा ने ये बात एक व्यक्ति द्वारा किए गए ट्वीट के जवाब में कही है। उस व्यक्ति ने कहा कि 1000 से ज्यादा बेरोजगार भारतीय 3 दिनों से सऊदी के जेद्दा में भूखे हैं। विदेश मंत्री ने कहा, हमने सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास से कहा है कि जेद्दा में भूखे भारतीयों को खाना मुहैया कराया जाए। सुषमा ने कहा, मेरे सहयोगी जनरल वीके सिंह इस तरह के सभी मामले सुलझाने के लिए सऊदी अरब पहुंच रहे हैं। सुषमा ने यह भी कहा कि कुवैत की स्थिति नियंत्रण लायक है, लेकिन सऊदी अरब की स्थिति काफी खराब है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आमिर खान के देश छोड़ने वाले असहिष्णुता के बयान को लेकर निशाना साधा है। पर्रिकर ने खान का नाम लिए बगैर कहा, एक अभिनेता ने कहा है कि उनकी पत्नी भारत से बाहर जाना चाहती है, ये दम्भपूर्ण बयान है। यदि मैं गरीब हूँ और मेरा घर छोटा है तो तब भी मैं अपने घर से प्यार करूंगा और हमेशा उसे बंगला बनाने का सपना देखूंगा। बता दें कि पिछले साल नवंबर में आमिर ने ये कहते हुए असहिष्णुता के कथित बढ़ते माहौल पर सुर में सुर मिलाया था कि वे ऐसी बढ़ती घटनाओं से स्तब्ध है। उनकी पत्नी किरण राव ने सुझाव तक दिया था कि देश छोड़ दे। जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी की कथित घटना का परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए पर्रिकर ने कहा, कैसे कुछ लोगों को देश के विरोध में बोलने का साहस हो जाता है। ऐसे लोग जो लोग देश के खिलाफ बोलते हैं उन्हें देश के लोगों द्वारा पाठ पढ़ाने की जरूरत है। गंगा में 4,200 करोड़ रुपए की बहुप्रतीक्षित जल परिवहन परियोजना पर चीन ने अपनी अनापत्ति दे दी। वर्ल्ड बैंक की ओर से इसके लिए चीन के वित्त मंत्रालय को पत्र भेजा था। चीन के इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिवीजन एक यंग युआनी जीए ने वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर को संबोधित पत्र लिखकर योजना पर किसी प्रकार की आपत्ति न होने की बात कही है। जल परिवहन परियोजना के लिए विश्व बैंक ने बांग्लादेश और नेपाल से भी एनओसी मांग की है। गंगा में इलाहाबाद से हल्दिया तक 1,620 किलोमीटर जलमार्ग विकसित किया जा रहा है। इस योजना की फंडिंग वर्ल्ड बैंक रहा है। वाराणसी सहित 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाए जा रहे हैं। थाने पुलिस ने करोड़ों रुपए के एफेड्रीन रैकेट के मामले में पूर्व फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के गुजरात, मुंबई और आसपास के इलाकों में स्थित कम से कम 8 बैंक खातों पर रोक लगा दी है। इन खातों में 90 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सरगना और उसके सहयोगी विक्की गोस्वामी से जुड़े मामले में ममता को पहले ही मुख्य आरोपी बनाया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार इस मामले की जांच के हिस्से के तौर पर सभी 8 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है, क्योंकि ऐसा संदेह है कि उनकी प्रॉपर्टी और बैंक खातों से ड्रग रैकेट को मदद मिली थी। भारतीय क्रिकेट टीम ने सबीना पार्क मैदान पर जारी पहले दिन शनिवार का खेल खत्म होने तक मेजबान वेस्टइंडीज पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। वेस्टइंडीज की पहली पारी 196 रनों पर समेटने के बाद भारत ने स्टंप्स तक 1 विकेट के नुकसान पर 126 रन बना लिए हैं। नए खेल खत्म होने तक लोकेश राहुल 75 और चेतेश्वर पुजारा 18 रनों पर नाबाद लौटे। भारत ने शिखर धवन के रूप में 1 विकेट गंवाया है। धवन और राहुल ने पहले विकेट के लिए 87 रनों की साझेदारी की। यह साझेदारी 19.3 ओवरों की रही। धवन को रास्टन चेस ने आउट किया। धवन ने अपनी 52 गेंदों की पारी में 5
चौके लगाए। भारत पहली पारी की तुलना में 70 रन पीछे है, लेकिन इसके बावजूद इसके पहले दिन के खेल के आधार पर उसने मेजबान टीम पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दो सांसदों के बीच हाथापाई होने की खबर सामने आई है। आरोप है कि AIADMK सांसद शशिकला पुष्पा ने DMK के सांसद तिरुची शिवा को सरेआम थप्पड़ मार दिया। बताया जा रहा है कि DMK सांसद ने तमिलनाडु की CM जयललिता के खिलाफ कुछ कमेंट किया था, जिसके बाद शशिकला ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद एयरपोर्ट में मौजूद CISF के जवानों ने दोनों को अलग किया। इस हादसे के बाद सांसद शशिकला पुष्पा ने कहा, मैं अम्मा के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। तिरुचि शिवा ने हमारी नेता पर कमेंट किया था। वही DMK सांसद तिरुचि शिवा का आरोप है कि सबसे पहले शशिकला ने उनके खिलाफ कमेंट किया, जब उसका जवाब दिया तो उसने सरेआम थप्पड़ मार दिया। कश्मीर घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर पोस्टर बॉय बुरहान वानी के एनकाउंटर पर अब राज्य की सत्ता में शामिल BJP ने अपने सहयोगी पार्टी PDP के सुर में सुर मिलाकर बात कही है। राज्य के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह ने कटरा में कहा कि बुरहान वानी का एनकाउंटर एक्सीडेंटल था। सरकार को इस एनकाउंटर में बुरहान वानी के फंसे होने की खबर नहीं थी। डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा कि अगर पहले से सरकार के पास बुरहान वानी के कोकरनाग एनकाउंटर की खबर होती तो सुरक्षा एजेंसी और पुलिस प्रिकॉशन लेती। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ जारी ऑपरेशनों का तरीका एक ही होता है, और अगर कोई आतंकी सरेंडर नहीं करता तो उनसे निपटने का तरीका ऐसा ही होता है। गौरतलब है कि इससे पहले जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में PDP के फाउंडेशन डे पर कहा था कि सरकार और सुरक्षा एजेंसी को एनकाउंटर में बुरहान वानी के फंसे होने की खबर नहीं थी, और अगर ऐसा होता तो सरकार चांस ले सकती थी। यूपी में चुनाव से पहले देश के दो बड़े दलित नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। पहले महाराष्ट्र के बड़े दलित नेता और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री रामदास अठावले ने अम्बेडकर के नाम पर मायावती पर केवल राजनीति करने का आरोप लगाया। अठावले ने कहा कि मायावती बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर राजनीति तो करती है, लेकिन उनके आदर्शों को नहीं मानती। वहीं अठावले के इस बयान में मायावती ने पलटवार करते हुए कहा कि अठावले BJP की गुलामी में बाबा साहब के मूवमेंट को आघात पहुंचा रहे हैं। मायावती के बौद्ध धर्म अपनाने की अठावले की सलाह पर भी कहा कि जब समाज जागरूक हो जाएगा तब कांशी राम की इच्छा के मुताबिक करोड़ों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाऊंगी और ये ऐतिहासिक घटना होगी। BJP के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को मुरादाबाद में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सूबे का सबसे विफल CM बताते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश में सपा नेता पब्लिक की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और उन्हें मुख्यमंत्री का खुला संरक्षण हासिल है। महापौर उपचुनाव में जनसभा को संबोधित करने मुरादाबाद पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस वार्ता में कहा कि अखिलेश देश के सबसे बड़े अधिक धोखेबाज CM है। उन्होंने बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों समेत समाज के हर वर्ग को धोखा दिया है। बोले, प्रदेश में चारों ओर गुंडाराज और भय का माहौल है। देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश से तबाही की खबरें लगातार आ रही है। ओडिशा में शनिवार को आकाशीय बिजली गिरने से अलग अलग इलाकों में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान भद्रक जिले में हुआ है, यहाँ 8 लोगों की मौत बिजली गिरने से हुई। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बारिश और बिजली गिरने से लोगों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित लोगों के परिवारों को मदद पहुंचाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने बिजली गिरने से मरने वाले लोगों के परिवार वालों के 50,000 रुपए की मदद का ऐलान किया है। बालासोर में 7, खुर्द में 5, मयूरभंज में 3 और केंद्रपाड़ा, जाजपुर, नयागढ़ जिलों में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई है।